Dear students, welcome back to your science class. So, students in our previous video we have covered the NCRT text question of chapter 10 light up to question number 6. That was on page number 186. So today we are going to start the question from question number 7. And the question is: we wish to obtain an erect image, of the object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. वट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इन्होंने कहा है कि एक इरेक्ट इमेज बनानी है किस मिरर से बनानी है कॉनकेव मिरर से जिसकी फोकल लेंथ क्या है पंद्रह सेंटीमीटर तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए तो आप देख रहे हो कि इरेक्ट इमेज कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक ही जगह बनती है वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस तो फोकस कहाँ है उसका फिफ्टीन सेंटीमीटर पे तो फिफ्टीन सेंटीमीटर से कम कम जितना भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे जहाँ भी तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनेगी तो इसका आंसर क्या होगा

तो एज इज वापस आ जाएगी और जो पैरल रे ऑफ लाइट है वो फोकस से चली जाएगी ओके वी विल लाइन्स और ये लाइन्स हमारी यहाँ जाकर के ज्वाइन होंगी यहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश आप देख रहे हैं कि ये वर्चुअल इरेक्ट है क्योंकि वो एरो है इसके अंदर दूसरा ये ऑब्जेक्ट से बड़ी है ये ऑब्जेक्ट छोटा है ये भी और भी ये डैश बी डैश ये इमेज बड़ी है ओके सो दिस इज आंसर नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर एट है नेम द टाइप ऑफ मिररर यूज इन द फॉलोइंग कार में कौन सा मिरर होता है यूज और क्यों तो हेडलाइट्स ऑफ कार में क्या है हमें विजिबिलिटी देखनी है हम हेडलाइट्स से क्या करते हैं हम चीजों को देख पाते हैं सही से तो हेडलाइट्स ऑफ कार में कॉन्केव मिरर यूज होगा क्योंकि वो एक कन्वर्जिंग मिरर है सारी पैरालल रेस को वो कन्वर्ज कर देगा और उससे एक पावरफुल बीम जनरेट हो जाएगी जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट आसानी से दिखेंगे ओके ना वी हैव द साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल जो हमारी बाइक में स्कूटी में लगा होता है साइड में मिरर वो क्यों यूज होता है रियर व्यू रियर व्यू मीन्स जो पीछे का जैसे आपका रियर कैमरा होता है पीछे का तो ऐसे ही पीछे का ट्रैफिक के लिए ओवर के लिए ये ज़रूरी होता है तो इसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है आप जानते हैं लेकिन क्यों इसलिए यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर एक तो वर्चुअल इमेज बनाता है डिमिनिश बनाता है जिस वजह से क्या होता है एक लार्ज एरिया लार्ज फील्ड ऑफ व्यू कवर अप हो जाती है और बिहाइंड ट्रैफिक जो हमें साइड्स में दिखता है वो ज़्यादा दिख जाता है बट उस पर लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर एंड दे अप्यर क्योंकि वो छोटी इमेज बना के दिखा रहा है हमें लगता है कि छोटी इमेज मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है बट ऑब्जेक्ट आर नॉट सो फार उसकी नेचर ही ये है कॉन्वेक्स मिरर की कि वो ऑब्जेक्ट का साइज़ को छोटा करके दिखाता है सोलर फर्नेस सोलर फर्नेस को क्या करना है हमें ऐसी फर्नेस जिसमें सन की हीट से कोई चीज़ हीटअप हो रही है गर्म की जा रही है तो यहाँ पर क्या होगा कॉन्केव मिरर येस ऑब्वियसली क्यों क्योंकि यहाँ भी पैरल रेस पावरफुल बीम में कन्वर्ट हो जाए और उससे क्या होगा सब्सटेंस हीट अप हो जाएगा ओके नाउ वी हैव द नाइन्थ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज वन हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर वन हाफ जो है कॉन्वेक्स लेंस का ब्लैक पेपर से कवर हो जाएगा तो कह रहे हैं कि वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली कि इमेज प्रोड्यूस होगी इस केस में या नहीं होगी ओके नाउ हम क्या करेंगे एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं इट्स लाइक दैट क्या होगा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसका वन हाफ पोर्शन ऐसे कवर कर दिया आपने ब्लैक पेपर से चाहे ये कर दीजिए चाहे ऊपर से कर दीजिए आपने कहीं भी इमेज को रखा है ठीक है तो क्या होगा अगर आप इमेज को यहाँ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को ए बी तो एक रे ऑफ लाइट पैरल जानी है एक रे ऑफ लाइट हमारी ओ से पास कर जाएगी तो जब ओ से अभी भी पास कर सकती है रे ऑफ लाइट और एक पैरल जा रही है जो कि इधर पहुंचेगी तो हमारी जो इमेज है इमेज तो बन जाएगी ना तो यही इन्होंने पूछना है कि कॉन्वेक्स लेंस को अगर ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे तो क्या इमेज बनेगी तो व्हाट विल बी योर आंसर येस इमेज विल बी फॉर्मड बिकॉज द रेज कैन स्टिल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर जब यहाँ से जा सकती है तो हम एक पैरल रेज या कोई और रे तो ट्रेस कर ही सकते हैं तो यहाँ पर इस केस में इमेज बन जाएगी ओके ना वी विल हैव एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लीजिए इसका किसी भी कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करिए कोई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दूर से आता है वो ऑब्जेक्ट को ट्रेस कर लीजिए इमेज बन जाएगी इसकी फोकस पे इमेज बनेगी इसकी और आप क्या कर सकते हैं फिर उसको कवर करें ब्लैक पेपर से फिर देखिए तो तब भी इमेज बन जाएगी बस क्या होगा कि जो ब्राइटनेस होगी इमेज की वो कम हो जाएगी ब्लैक पेपर के कवर करने की वजह से ओके नाउ वी हैव द इलेवेंथ क्वेश्चन अब हमारे पास इलेवंथ क्वेश्चन आता है एंड द क्वेश्चन इज अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर कॉन्केव लेंस है पहली बात फोकल लेंथ पंद्रह सेंटीमीटर है फॉर्म सन इमेज इमेज बना रहा है टेन सेंटीमीटर पर हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस हमें क्या निकालना है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है यू और उसका रे डायग्राम बनाना है वही देखेंगे हम हमें क्या क्या गिवन है फोकल लेंथ गिवन है फिफ्टीन फिफ्टीन सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस गिवन है टेन सेंटीमीटर हमें यू निकालना है कैसे निकालेंगे पहली बात एक तो ये कॉनकेव लेंस है जब ये कॉनकेव लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ हम माइनस में लेंगे दूसरा ये कह रहे हैं कि इमेज जो है कॉनकेव लेंस की हमेशा हमें पता है कि कैसे बनती है वर्चुअल इलेक्ट बनती है और लेंस में हम वर्चुअल इलेक्ट वर माइनस लेते हैं तो वी की वैल्यू हो गई आपकी माइनस टेन यू निकाल दीजिए वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉइन यू एफ कितना है हमारा फिफ्टीन सेंटीमीटर वी हमारा कितना है माइनस के टेन यू हमें निकालना है माइनस फिफ्टीन ना हेयर इट विल बी इज इक्वल टू सॉरी ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस वन अपॉन टेन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन यू एलसीएम लेंगे फिफ्टीन और टेन का दैट विल बी थर्टी तो माइनस टू और प्लस थ्री माइनस टू और प्लस थ्री कितना हो जाएगा आपका इट विल बी वन अपॉन थर्टीज और माइनस सो यू की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी माइनस के थर्टी सेंटीमीटर्स अब हमें क्या करना है हमें रे डायग्राम भी बनाना है डायग्राम भी बनाएंगे कौन लेंस बनाते हैं अब आप देखो यू कितना आया यू आया थर्टी सेंटीमीटर मतलब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है टू एफ पे रखना है कॉन्केव में कॉन्केव में तो रखते ही हम कहाँ हैं ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनेटी के बीच में कहीं भी रख लेते हैं तो ये टू एफ वन पर रखा हुआ है इसमें क्या होगा इसमें होगा आपका कि एक रे ऑफ लाइट पैरेल जाएगी एक रे ऑफ लाइट ओ से जाएगी जो पे ओ से जा रही है वो ओ से चली जाएगी पैरल वाली इस फोकस पे जाएगी और डाइवर्ज हो जाएगी तो यहाँ पे जो इमेज है इस जगह बनेगी ए डैश बी ओके दैट विल बी द रे डायग्राम ओके इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ फिफ्टीन सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर है पहली बात रखा है ऑब्जेक्ट टेन सेंटीमीटर पे फोकल लेंथ इतनी है पोजिशन नेचर और इमेज का हमें निकालना है ओके दिस इज अगेन अ न्यूमेरिकल यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है कॉन्वेक्स मिरर गिवन है मिरर का क्वेश्चन है ये और फोकल लेंथ है उसकी पंद्रह सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ एफ इज फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ यू इज माइनस के टेन सेंटीमीटर वी हैव टू कैलकुलेट द वी वी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम वन अपॉन इज इक्वल टू मिरर फॉर्मूला से वी प्लस यूनिट वी प्लस माइनस के टेन ये इधर लाएंगे प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस जब इधर आएगा प्लस का हो जाएगा प्लस टेन इज इक्वल टू वन अपॉइन वी फिफ्टीन और टेन का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका विल बी एलसीएम ऑफ फिफ्टीन एंड टेन इट विल अभी हमने किया था फिफ्टीन टू सा और टेन थ्री मीन्स फाइव अपॉइंट थर्टी इज इक्वल टू वन अपॉइंट वी तो वन अपॉइंट वी इज इक्वल टू फाइव अपॉइंट थर्टी है V की वैल्यू आ जाएगी आपकी थर्टी अपॉन फाइव दैट इज सिक्स सेंटीमीटर V कहाँ हम बनेगा हमारा पोजीशन क्या होगी सिक्स सेंटीमीटर क्योंकि ये मिरर का क्वेश्चन है और प्लस में हमारी इमेज आई है तो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट ये इसका नेचर होगा ओके okay? तो यही हमारा क्वेश्चन है इसके बाद हमें इसमें खुँ, बस यही फाइंड करना है

माइनस वी अपॉन यू ये कह रहे हैं कि ये वैल्यू प्लस वन है तो ये वैल्यू प्लस वन कब आएगी जब ये दोनों इक्वल हो वन तो तब आएगी और जब आपकी इमेज माइनस में हो क्योंकि यू तो हमेशा माइनस होता है अगर इमेज भी माइनस है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा आपका सॉरी इमेज अगर आपकी प्लस है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा माइनस तो ये प्लस वन आ जाएगी तो क्या होगा इसका मतलब द इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइज और डिस्टेंस सार इक्वल एंड द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट ओके हैव द फोटीथ क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइव सेंटीमीटर इज लेंथ इज प्लेसड एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ करवेचर थर्टी सेंटीमीटर फाइंड द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज हमें क्या करना है एक ऑब्जेक्ट गिवेन है हमें और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है फाइव सेंटीमीटर है उसके बाद हमें दिया है कि उसको प्लेस किया गया है ट्वेंटी सेंटीमीटर पे यू की वैल्यू है ये कॉन्वेक्स मिरर है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है थर्टी हमें वी निकालना है और एच आई निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर थर्टी है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आर बाई टू एंड दैट इज़ थर्टी अपॉइंट टू फिफ्टीन सेंटीमीटर ओके अब हम निकालते हैं वन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू एफ की वैल्यू हमारी कितनी है फिफ्टीन सेंटीमीटर क्योंकि ये कौन सा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है तो इसीलिए प्लस में लेंगे उसके बाद वी हैव द वी निकालना है माइनस ट्वेंटी ये इधर आएगा प्लस माइनस माइनस और फिर इधर आके प्लस का so, से आ जाएगा 7 60 1 v. So, v की क्या हो जाएगी एट पॉइंट फाइव सेवन सेंटीमीटर क्योंकि ये प्लस है तो इसकी नेचर क्या हो गई वर्चुअल एंड इरेक्ट अब हमें बताना है कि नहीं सॉरी ये हाँ वर्चुअल एन अब हमें बताना है कि कॉन्वेक्स मिरर में हम इसको रखेंगे कैसे तो कॉन्वेक्स मिरर रे डायग्राम बनना है हमारा नो ओनली द साइज तो हम साइज निकालेंगे साइज़ के लिए फॉर्मूला क्या है माइनस वी अपॉन यूज टू तो एच आई अपॉन एच ओ वी कितना आया हमारा एट पॉइंट फाइव सेवन यू कितना है हमारा माइनस के ट्वेंटी क्योंकि ये माइनस भी पॉन यू है, ओके okay? हाँ तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एच आई हाँ कितना है हमारा निकालना है एच ओ कितना है हमारा फाइव तो एच हाँ आई की वैल्यू हो जाएगी एट पॉइंट फाइव सेवन इंटू फाइव डिवाइडेड बाय ट्वेंटी ओके तो वैल्यू हेयर विल बी टाइव जिसको हम लिख देंगे टू पॉइंट टू सेंटीमीटर ओके यहाँ पे क्या होता है कि आपका ये प्लस वर्चुअल इनरेक्ट इमेज आई थी तो यहाँ पे हाइट भी पॉजिटिव में होगी ओके सो दिस विल बी द आंसर नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एंड द क्वेश्चन इज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेवन सेंटीमीटर इज प्लेसड एट ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिररर ऑफ फोकल लेंथ एटीन सेंटीमीटर ये क्या कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट का साइज भी रखा है हमें सेवन सेंटीमीटर जिसे हम हमेशा प्लस में रखते हैं एंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट ट्वेंटी सेंटीमीटर जो कि हम हमेशा माइनस में लेते हैं फोकल लेंथ दे रखी है एटीन सेंटीमीटर और कॉनकेव में रखी है तो माइनस में लेंगे वी हमें निकालना है और हमें एच हाँ आई निकालना सेम क्वेश्चन है जैसे अभी किया था यू ऑल कैन सॉल्व क्वेश्चन के वन अपॉइन है फिजिकल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू कॉन्केव है क्योंकि

और प्लस टू वन अपॉन वी तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस वन वन अपॉन अपॉन वी सो द वैल्यू ऑफ वी विल बी दैल्यूल्टी फोर सेंटीमीटर अब एच आई निकालना निकाल लीजिए माइनस वी अपॉन यू इजल टू एच आई अपॉन एच ओ वी कितना है हमारा माइनस के फिफ्टी फोर यू कितना है हमारा माइनस के ट्वेंटी सेवन कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ कितना है हमारा दैट इज सेवन सेंटीमीटर ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा टू से तो एच आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू इंटू सेवन दैट इज माइनस के फोर्टीन सेंटीमीटर ओके दिस वन बी द हाइट ऑफ द इमेज ओके वी माइनस तो एच आई भी माइनस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ पावर लेंस हैविंग पावर टू डी पावर दे रखी है हमें टू डी पी की वैल्यू क्या है हमारी माइनस टू डी अब फोकल लेंथ निकलवा रहे हैं व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फोकल लेंथ इट इज़ वन अपॉन पी तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस जीरो पॉइंट फाइव बट ये जीरो पॉइंट फाइव आया है आपका मीटर्स में हमें इसको सेंटीमीटर्स में देना है वी विल कन्वर्ट इट बाई मल्टीप्लाइंग विद हंड्रेड हंड्रेड से इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी बिकॉज वन मीटर इस टू हंड्रेड सेंटीमीटर ये डेसिमल हटेगा आपका एंड द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ विल बी फिफ्टी सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ हो जाएगी फिफ्टी अब वो पूछ रहे हैं विच टाइप ऑफ लेंस इज दिस आपको बताएँ अगर माइनस में फोकल लेंथ आई है तो लेंस कौन सा है कॉनकेव लेंस है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है एक डॉक्टर है उसने प्रिस्क्राइब की है पावर प्लस वन पॉइंट फाइव डी तो उसकी फोकल लेंथ क्या है लेंस की जो उसको दिया गया है पेशेंट को तो एफ की वैल्यू विल बी वन अपॉन पी दैट इज इज टू वन पॉइंट फाइव दैट इज टू अपॉन थ्री और टू अपॉन थ्री आपका कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट 6, meters. Centimeters में निकालेंगे जीरो पॉइंट सिक्स सेवन इंटू हंड्रेड जीरो बढ़ेंगे इसके है सेंटीमीटर जो है आपकी यहाँ फोकल लेंथ आ जाएगी ओके ना वी हैव कंप्लीटेड द एनसीआर ऑफ चैप्टर टेन लाइट कंप्लीट दीज आंसर एन ऑफ योट बुक रिवाइज दम योर सेल्फ अपने आप सोल्व करके देखिए इन क्वेश्चन को Then, in any problem, you can ask me, and in our next video, we will cover the next chapter. Have a nice day.